हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रथला से विधायक नयनपाल रावत ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को लेकर निशाना साधा है। रावत ने विपक्ष पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस को इस तरह के षड्यंत्र नहीं करने चाहिए। ये पूरा षड्यंत्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है, जिसका कांग्रेस को कहीं कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, किसान महापंचायत ये एक राजनीतिक फंडा है। जहाँ तक हरियाणा में है, वो टोटल केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उपद्रव फैलाकर किसान आंदोलन को चलाने का कार्य कर रहे हैं। और आज जो ये मुजफ्फरनगर में और कहीं महापंचायत पंचायत हो रही हैं, ये किसी किसान के भले के लिए नहीं है। ये तो केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, राजनीतिक इच्छा पूरी करने के लिए ये पंचायत की गई है। ऐसी पंचायतों से देश के लोगों का, किसानों का विश्वास उठ चुका है। बता दें कि पिछले करीब 9 महीने से किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। ऐसे में ना सरकार झुकने का नाम ले रही है, तो वहीं ना ही किसान अपने अड़ियल रवैया छोड़ रहे हैं। ऐसे में किसानों ने 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई और उसमें सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए आगे की रणनीति बनाई। लेकिन अब सत्ता पक्ष ने किसानों की इस महापंचायत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।